हाँ कितनी? 2 किलो। हाँ 2 किलो। दूसरा तोलो। बता। सही सही, 2 किलो। अब इसको इसको तोलो, दूसरे वाले को। वो कौन तोलेगा? पिताजी। नाना जी की जय हो। क्या बात है, सुबह सुबह बाजार लगवा रखा है घर के बाहर है। क्या क्या हो रहा है? फालतू कबाड़ है, निकाल रहे है बस। तुम कब निकलोगे? तेल और साबुन लेने? जब जाएंगे तब बता देंगे। गुस्सा देखो इसका है? बेच रहे हो क्या इसको? हाँ। ये रद्दी थोड़ी ना बिक जाए। अपनी कान में वो पहन रखा है इसने, 1 रुपए का तो बिक ही जाएगा। 20 रुपए किलो से अखबार का 200 रुपए हो। 200 मेरा कमीशन जोड़ दिया ना इसमें। शर्म कपाटी से भी। बाबूजी अगर हम इतने पढ़े लिखे होते तो क्या रद्दी बेचते? आपकी तरह कमीशन पर काम करते। ठीक है ठीक है, तुम बाकी का सामान तोलो, हिसाब हम लगा के बता देंगे। महान बेटा तुम्हारे पास कुछ रद्दी पड़ी है तो दे दो, मेरा कमीशन थोड़ा और बढ़ जाएगा। चचा खरीदोगे? एक्टिंग? ना जी ना, हमें तो कोई ऐसी चीज ला के दो जो हम आगे जाके बेच सके। बेटे की जान, चचा ने भी खरीदने से मना कर दिया। ओए, मेरी एक्टिंग बिकाऊ नहीं है, मेरी एक्टिंग टिकाऊ है बलवंत राय। ये कौन सा कैप्सूल खाया आज? चचा ये ऐसी अगर तोलते रहे ना, एक दिन शतरमुर्ख बन जाओगे, ऐसे घूमोगे। नाना जी हमें अपने कॉलेज टाइम की शेरो शायरी की डायरी मिल गई। इसमें हमने एक से एक लाजवाब शेर लिखे थे पर किसी को सुना नहीं पाए। ओ भाई रख दे, 1 रुपया इसका मिल जाएगा, कहाँ उठा रहा है इसको। खामोश, किसी ने सही कहा है कि हीरे की असली कदर जौहरी को होती है। हम जौहरी के पास जा रहे हैं, अगर कोई पूछे तो कह देना छेनू आया था। ये क्या, फ्रिज में से निकल के आए हो क्या साडू भाई? हैं? ऐसे क्यों अकड़े हुए हो? हैं? बोल देंगे, सबको बोल देंगे साडू भाई कि होशियार रहिए, क्योंकि साडू भाई हाथ में शेरों की डायरी लेकर घूम रहे हैं। अच्छा, मिर्जा गालिब का सलाम, जय हिंद। ये क्या बात है, इसका नाम छेनू कब से पड़ गया? 15 अगस्त 26 जनवरी। अजाब गजाब घर जमाई। लोली जी लोली जी, देखिए देखिए मुझे वो डायरी मिली है जिसमें कॉलेज के टाइम में हम शेरो शायरी लिखा करते थे रे। महान जी, आप कॉलेज के टाइम में शेरो शायरी लिखा करते थे तो फिर पढ़ते कब थे? वही तो, आज पढ़ने का मौका मिला है क्योंकि अब हमारे पास आप है ना। आज हम आपके सामने अपने दिल के एक एक अरमान निकालेंगे, यानी अपने शेर सुनाएंगे। मुझे पता है आप मिर्जा से थोड़ा सा ज्यादा और गालिब से थोड़ा सा कम रहे होंगे। शुक्रिया। खोलिए। हाँ। वाह 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 माजी वाह। मालकिन, आज गैस सिलेंडर लाया, उसको 470 रुपए दिए और आज सुबह हमने रद्दी बेची, वो 250 रुपए की गई। ठीक है, वो पैसे नाना जी ने रख लिए। पन्ना जी, आपने घर में भी कमीशन लेना शुरू कर दिया? ओ जगदम्बे, क्या है कि मैंने सोचा पैसे रख लूं, आगे बुढ़ापा आएगा ना तो पैसे कुछ संभाल के रख ले। है? अभी तो आप बहुत जवान है ना। वृद्धावस्था से हमें एक प्रेरणा मिली है कि हम एक ऐसे मिशन का आविष्कार करें कि तीव्र गति से आने वाली वृद्धावस्था में मन गति लगा दे। कैसा? हम कुछ कहे पी के जवाई, आप ऐसे मिश्रण का आविष्कार क्यों नहीं करते जिससे भूलने की बीमारी या स्मरण शक्ति तेज हो जाए? घर में कोई ऐसा भी है जिसे स्मरण शक्ति की समस्या? मैं हूँ। मैं कुंज बिहारी फिर गई मती मारी। चलिए सब लोग जल्दी चलिए, वो मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है। क्या क्या हुआ दी? कहानी घर घर की सीरियल फिर से शुरू हो गया क्या? अरे नहीं, वो एक्चुअली ना मुझे मेरे महान जी के अंदर एक छुपा हुआ टैलेंट दिख गया है। हे कन्हैया,
क्या शायरी करते हैं वो। क्या बात कर रही हो डोली बिटिया, लॉली बिटिया? मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ नाना जी। उन्होंने मुझे इतने अच्छे से शेर सुनाए कि मैं तो खुशी के मारे पागल हो गई। ये तो उसमें शेरों की क्या जरूरत थी, तुम तो ऑलरेडी वैसे ही, मेरा मतलब है कि खुश हो। अच्छा ये बताइए दी, क्या जीजू के शेर हमारी आनंदी के संस्कारों से भी अच्छे है? अरे हाँ, पर आप लोग चलिए तो सही, चलिए ना। चलो चलो देख लो है नानी जी, एक बार चल के देख लो साडू भाई ने कौन से तीर छोड़े अपने तरकस से। आज कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को अरबी क्या? अरबी हमने तो सुना कि फारसी होता है। अरबी आती है आपको? नहीं। फारसी नहीं। तो बात समझने की नाना जी, समझ में आ गई ना बात, सबको आ गई। वाह। ये देखो पहले से इंजेक्शन लेके बैठे हैं, ये अभी से वाह शुरू होगी, सुने भी नहीं शेर। चलो 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 चलो। वाह वाह, तो याद रहता नहीं हमें, कह रहे हैं वाह वाह। आने वाली बात है, मैं बता रहा हूँ आपको। वाह 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 वाह, अरे क्या मिसरा आया है, इसे सुनकर तो बड़े बड़े शायर सकते में आ जाएंगे भाई। वाहन कपूर, क्या हाँ बात जी। हाँ जी देखिए आपको ले आए। आदरणीय नानी जी को सादर प्रणाम। विराजिए विराजिए सासुमा, ससुर जी विराजिए, डॉली साली साहिबा बैठिए, आइए बड़े लाल जी विराजिए, नाना जी तो पहले ही विराज गए, आओ आओ महाशय विराजो। हमें मालूम था कि हमारी बेहतरीन शायरी की तारीफ हमारी प्यारी लॉली जी जंगल में आग की तरह फैला देंगे, और इसे सुनकर आप लोगों से हमारे शेर सुने बिना रहा नहीं जाएगा, रहा नहीं जाएगा। ओहो साडू भाई, ऐसा क्या सुना दिया आपने लॉली जी को हैं, जो वो आपके इश्तियार थूक से चिपकाती घूम रही है। हमारे शेरों में इतनी एनर्जी होती है कि जो भी एक बार सुन लेता है वो तरोताजा हो जाता है, और फिर ऐसी स्पीड में भागता है कि फिर वो उसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। इतना कुछ हमें ऐसा सुना दो कि मैं इस घर से इतनी स्पीड में निकल जाऊं। पन्ना जी मेरा मतलब है कि वापस भी आ जाए। दो सुनाना, एक जाने वाला और दूसरा आने वाला। ठीक है। लेकिन आप लोग एक बात सच सच बताओ, क्या आप लोग सचमुच मेरी शायरी सुनने यहाँ आए? नहीं नहीं पड़ोसी का, अरे सुना ना। तो अर्ज किया है, लेकिन एक बात, एक दरख्वास्त और है आप लोगों से। क्या? वो क्या है ना कि शेर खत्म होने के बाद आप सब लोग वाह वाह जरूर करिएगा, हौसला अफजाई के लिए, हौसला अफजाई के लिए, हौसला अफजाई के लिए। वाह हाँ हाँ क्यों नहीं, वाह वाह। ये देखो वाह वाह करने के लिए ही है, जब तक आपकी शेर और शायरी खत्म नहीं होती अपने घुटने पे बैठ के हमारे बड़े लाल जी वाह वाह करते रहेंगे। Come on! तो ख्वातीनों हजरात, इस शायरी की महफिल में ये नाचीज आपका इस्तकबाल करता है। तो पहला शेर पेश खिदमत है नानी जी के लिए। तो नानी जी पेश करूं अगर आपकी इजाजत हो? इरशाद, इरफान, इरफान। अरे मम्मी इरफान नहीं, इरशाद, इरशाद। इरशाद, इरशाद। शुक्रिया। हमारे घर की शान है हमारी नानी, हमारे घर की शान है हमारी नानी, नारियल को फोड़ो तो उसमें निकलता है पानी। वाह बोलो वाह 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 वाह। शुक्रिया 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 शुक्रिया। अब अगला शेर हमारे प्यारे नटखट चुलबुले नाना जी के लिए। शेर कुछ यूं है, नाना जी हमारे हर काम में मांगते हैं कमीशन, नाना जी हमारे हर काम में मांगते हैं कमीशन, सुनील शेट्टी थे दो दो और फिल्म का नाम था गोपी किशन। वावा 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 वावा। एक प्यारा सा खूबसूरत सा शेर है हमारे प्यारे से ससुर जी के लिए। पापा पापा। ससुर जी हमारे जाते हैं हर छोटी छोटी बातें भूल, ससुर जी हमारे जाते हैं हर छोटी छोटी बातें भूल, 2 रुपए मिले थे मेले में मिठाई के लिए,
और ये आए थे झूला झूल। नाना जी वाह वाह बोलिए ना। वाह 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 डॉली वाह वाह बोलिए ना। वाह 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 वाह। शुक्रिया 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 शेषनाग, आप सबका शुक्रिया शेषनाग। दर्शन कर लो दर्शन। अब एक बड़ा ही कातिल शेर पेशे खिदमत है इस महफिल में और आपका अंदाजे बयां हमसे जुदा नहीं होना चाहिए, मतलब वावा वावा जरूर मिलनी चाहिए। इरशाद, तो आपके सामने पेश करता हूं, खेतों में खटर खटर चलता है ट्रैक्टर, खेतों में खटर खटर करके चलता है ट्रैक्टर, फिल्में हिट हो जाती अगर उसमें होता मेरे जैसा एक्टर। वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अगला शेर पेशे खिदमत है जो बड़ा ही मदहोश आना है, होश उड़ जाएंगे आपके। अर्ज किया है सुनिएगा, दाद चाहूंगा मतलब वावा वावा। मेरे पिया गए रंगून, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, दरवाजा तोड़ दो दया, घर में हो गया है किसी का खून। वावा वावा। महान जी लगता है आपके शेर बहुत आरामदायक है, तभी देखिए ना सब लोग सो गए हैं। आज मैं आपकी नजर ना लाल मिर्ची से उतारने वाली हूँ। कोई बात नहीं, आप और सुनाइए, मैं काफी हूँ ना वाह वाह करने के लिए। सुनाइए सुनाइए। क्या बात है लॉली जी, बैठिए बैठिए यहाँ पर। भगवान अजाब गजाब घर जमाई। डॉली बेटा होश में आओ, क्या हो गया इसे? उठो डॉली जी उठो। क्या हुआ हमें? अरे बाके बिहारी, शुक्र है होश आ गया। नहीं महान जी चुका है। नहीं है नहीं है, अब यहाँ नहीं है। हा? अपने कमरे में है, लॉली जी के दिमाग की ऐसी तैसी कर रहे होंगे वो। हाँ शुक्र है आप उठ गई, आप सही हो? हाँ बताओ मेरा नाम क्या है? चिंटू जी। बताओ, डॉली होश में नहीं आ रही थी और मैं तो बस इस घर से ही जाने वाला था। अन्ना जी मेरा मतलब है कि अर्थी पे, अगर ऐसे शेर सुनेगा तो अर्थी पे ही जाएगा ना आदमी। कुछ भी कहते हैं पन्ना जी आप, ये महान के शेरों से तो हमारा सर दर्द से भन्ना गया है। बड़े यहाँ पड़े, ये देखो ये देखो। अरे बड़े तुम नीचे क्यों पड़े? मालकिन अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। आप सबकी दुर्दशा देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसा अभी अभी यहाँ कोई भूकंप आया था। बेटे की जान चिंटू। नानी जी चिंटू चौटाला के दिमाग में ना बहुत ही घातक आइडिया है साडू भाई के शेरों से बचने के लिए। नानी जी जिस तरीके से लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है, ठीक मैं समझ गया, जैसे सांप सांप को मारता। ये देखो एक तो पता नहीं आजकल इनका क्या शुरू हुआ है, बात किसी की भी चल रही हो बीच में कूद पड़ते हैं क्या। नाना जी सुनो, नानी जी मैं क्या कह रहा हूँ, साडू भाई जैसे अपने गंदे गंदे शेर हमें सुना के मार रहे हैं ना, हम भी वैसे ही करते हैं, हम साडू भाई को उन्हीं की तरह घटिया शेर सुना देते हैं, तब उनके बात समझ में आएगी कि उनके शेर हम सब की सेहत के लिए कितने हानिकारक। नहीं नहीं ये आइडिया सही नहीं है भाई। चिंटू ठीक कह रहा है वैसे तो। ठीक है जो करना है करो, लेकिन हमें इन शेर गीदड़ों से दूर ही रखो। वैसे इस सब से हम महान जमाई जी के शेरों से बच तो जाएंगे ना। हाँ हाँ जरूर, बिल्कुल बिल्कुल जरूर सासू माँ, और अगर मैं झूठ कहूँ ना तो आपको अकेले में साडू भाई के 100 शेर सुनने पड़े। क्या झूठ कहूँ तो ना। हाँ हाँ अब क्या करते हैं हम, नानी प्लीज, हम क्या करते हैं साडू भाई को ना मुशायरे का निमंत्रण देते हैं, हैं
और आज शाम को घर में मुशायरा रखवाते हैं, हैं? नानी जी क्या कहती हो? ठीक है नहीं आना तो क्या कर सकते हैं? मैं कर लूंगा ना, मैं हूं ना। ये देखो सारे उल्टे काम करवाने हो ना, सबसे पहले है आगे सबसे। हाँ, उनकी आंखों में थी जो खुशबू वो पेड़ों की थी या पत्तों की? ये नहीं बैठेगा। उनकी आंखों में थी जो खुशबू क्या करते हो ससुर जी? क्या बात है जमाई बाबू, बड़े व्यथित प्रतीत हो रहे हैं। ससुर जी एक बड़ा ही बेहतरीन मिसरा उठाया है लेकिन कंबख्त काफिया नहीं बैठा। हो सकता है कि काफिया जी इस बात से अप्रसन्न हो कि आपने मिश्रा जी को उठाया क्यों। ससुर जी हम शेरो शायरी के काफिये की बात कर रहे हैं, हम महान कपूर शायरी लिख रहे हैं। लीजिए आपके चक्कर में काफिया के साथ साथ हम मिश्रा भी भूल गए। भूल जाने से स्मरण हुआ कि पूरे परिवार की ओर से मुशायरा प्रतियोगिता के लिए आपको निमंत्रण देने आए हैं। ओहो अच्छा, तो मतलब हमारा परिवार अब हम पर करेगा शायरी का वार। ठीक है ससुर जी, हम भी हैं तैयार। बहुत लंबा हो गया, छोटे में व्यक्त करने लायक बताइए ना। आप बस हाँ कह दीजिए। अजाब गजाब घर जमाई। देवियों सज्जनों, आज के मुशायरे में परिवार के सभी सदस्यों की उपस्थिति में मैं पीके विज्ञान आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के मुशायरे की शुरुआत करते हैं हम चिंटू जी के शेर से। अर्ज किया है, चम्मच पे चम्मच, चम्मच पे जीरा, चम्मच पे चम्मच, चम्मच पे जीरा, मेरा दर्जी मेरी कमीज नहीं सीखा। अर्ज किया है, रेल की पटरी, पटरी पे फाटक, रेल पे पटरी, पटरी पे फाटक, 9:30 बजे बिग मैजिक में आता है हमारा फेवरेट वाला नाटक। वाह वाह, हमारा बलमा है भुलक्कड़। वाह 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 वाह, सुनिए तो बड़े लाल जी। बहुत सही बहुत सही। हमारा बलमा है भुलक्कड़, उन्हें कुछ याद नहीं रह पाता। हमारा बलमा है भुलक्कड़, उन्हें कुछ याद नहीं रह पाता। आज तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता। वाह 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 वाह। अर्ज किया है, तीन तरह के होते हैं विक्रम, अल्फा गामा बीटा। तीन तरह के होते हैं विक्रम, अल्फा गामा बीटा। नींबू पानी पी के चींटी बन के चींटा। सुंदरी का जीवन तुमने खराब कर दिया नासपीटा। अब तो मेरी, अरे मेरी मेरी कमीशन मुझे मिल जाए, बस इतनी सी है तमन्ना। हाथी को क्या चाहिए, गन्ना। मैं शायर तो नहीं मगर है हंसी, दे दे मुझे दांत पुरेदने को तीली, क्योंकि मेरे दांतों में मटर है फंसी। अरे ये भी तो सुनो, अरे ये भी चाहे कमीशन, वो भी चाहे कमीशन, सब चाहे कमीशन। वाह, ये भी मांगे कमीशन, वो भी मांगे कमीशन। बड़े लाल को बता दो क्योंकि ये लेने जा रहा है राशन। वैसे एक बात कहूँ, वैसे आप एक्टर से थोड़े हैं कम और शायर से थोड़े और भी हैं कम। जयकारा वीर बजरंग, जय भोले बम 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 बम। अरे तो अर्ज किया है, वक्त बेवक्त हमें ये ख्याल आता है, वक्त बेवक्त हमें ये ख्याल आता है कि रात को हमारे घर की घंटी बजाकर कमबख्त कौन भाग जाता है। जिंदगी के हर मोड़ ने हमें यही सिखाया था, कोई पूछे तो कहना छेनू आया था। ऊपर है आसमान, नीचे है जमीन,
भाई तुम साइन करते हो या नहीं? बाबा 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 अर्ज क्या है? शायरी होती नहीं आसान, शायरी होती है बहुत संगीन। एक दो तीन ना चुटता है सांप जब बजती है बीन। क्या बात है, सवाल कर दिया। अरे और सुनिए, मथुरा में मशहूर है हमारा पेड़ा। मथुरा में मशहूर है हमारा पेड़ा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। हाँ पन्ना जी आपके लिए। तू क्या जाने प्यार क्या होता है, तू क्या जाने प्यार क्या होता है। अरे बच्चों से पूछ इतवार क्या होता है। झूम उठता है मन जब सावन की झड़ी लगी होती है। झूम उठता है फन आपके लिए, लौली जी आपके लिए। हाँ मेरे लिए। झूम उठता है मन जब सावन की झड़ी लगी होती है, और महान ये आपके लिए। बहुत पिटता है बकवास शायर जब हूट करने के लिए जनता खड़ी होती है। एक हो बड़े लाल तुम्हारे लिए। चार दिन की चांदनी है ढंग से जी लो। और गद्दा लेके क्यों खड़े हो, अरे अपना फटा पजामा सी लो। अरे बस 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 करो नानी जी हमें माफ कर दीजिए, हमसे और नहीं झेला जाएगा। क्यों बेटा क्या हुआ भाई, शेरो शायरी की शुरुआत तो तुमने शुरू की थी, तो हम तो तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। हम अच्छी तरह से समझ गए कि हमने आप सबको कितना पकाया है, हमें माफ कर दीजिए। हम वादा करते हैं कि आज के बाद दोबारा कभी शायरी नहीं करेंगे। हाँ। और सिर्फ एक्टिंग पे ही ध्यान देंगे। साडू भाई एक शेर अर्ज है। घबराने की जरूरत नहीं है, क्लाइमेक्स वाला है ये, आखिरी लास्ट दी एंड वाला। तो नानी जी अर्ज किया है, जिसका काम उसको साजे, जिसका काम उसको साजे, पूजा करे तो डंडा बाजे। अजब गजब घर जमा।